नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म सिनेमा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, साथ ही शेयर भी कीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, 11 अगस्त 2018 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ये सूर्य ग्रहण इंडिया में दिखाई देगा या नहीं, साथ ही सूतक काल का समय क्या रहेगा और किन और ग्रहण की शुरुआत, मध्यकाल और मोक्ष काल का टाइम क्या है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण की और शुरुआत से बताते हैं आपको। 11 अगस्त 2018 सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ये तीसरा सूर्य ग्रहण है 2018 का और अंतिम सूर्य ग्रहण भी है। इस बार जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो आंशिक ग्रहण लगेगा। चंद्रमा आंशिक रूप से सूर्य को ढक लेगा और ये सूर्य ग्रहण सावन मास की अमावस्या तिथि को, यानी कि 11 अगस्त 2018 दिन शनिवार के दिन लग रहा है। अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है ग्रहण और कर्क राशि में घटित होगा, इसलिए इस नक्षत्र यानी कि अश्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि वालों को विशेष प्रभाव इन पर पड़ेगा इस ग्रहण का। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:32:08 से ग्रहण शुरू होगा और मध्यकाल होगा 3:16:24 पर और इस ग्रहण का समापन समय होगा 5:05:40 पर। ये ग्रहण इस ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, जो लगभग रात में 1 बजे से ही शुरू होगा और 11 अगस्त 2018 की शाम में 5:40 पर जबकि ग्रहण खत्म होगा उस समय ही समाप्त हो जाएगा। और ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक का समय लागू भी नहीं होगा, ना ही सूतक काल से जुड़ा हुआ कोई भी नियम यहाँ पर मान्य होगा, मतलब करने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ दिखेगा ही नहीं तो करके क्या होगा। हम बात करते हैं कि ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, भले ही वो भारत में दिखाई ना दे। पहले तो हम आपको बतला दें ये किन किन देशों में दिखलाई देगा। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप, पूर्वी एशिया, आइसलैंड, कनाडा, चीन, मॉस्को, साउथ कोरिया, रूस सहित कई विदेशों में दिखाई देगा और अमेरिका, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जापान जैसे अनेक देशों में विदेशों में दिखाई ये सूर्य ग्रहण नहीं देगा। हम बतलाते हैं, मान्य भले ही ना हो सूर्य ग्रहण का सूतक, लेकिन सूर्य ग्रहण जितने भी समय का है उसमें कुछ नियमों का आप पालन जरूर करें। जैसे कि जब ग्रहण का समय है उस समय आप भगवान का स्मरण जरूर करें, साथ ही प्रेग्नेंट लेडीज को चाहिए कि वो एक जगह शांत होकर बैठे और कोई भी वस्तु कट नहीं करे, सब्जी फल कुछ भी काटना नहीं है और मन ही मन नमः शिवाय का जप करते रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।